और मैं माननीय जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अपने बीच में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा आदरणीय लाल सिंह आर्य जी से अनुरोध करूंगा अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। अपने भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अनुराग मेघलाम जी से अनुरोध करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। अपने सोम प्रकाश जी केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा स्थान ग्रहण करें। अपने बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन आदरणीय भाई साहब बीएल संतोष जी उपस्थित हैं। भाई साहब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने कार्यक्रम में अपने केंद्रीय संगठक आदरणीय भाई साहब वी सतीश जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अनुरोध करूँगा मंचासीन अतिथिगणों से कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी माननीय अपने रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्या जी, आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय सोम प्रकाश जी, अभी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के माध्यम से होते हुए अपने सभी मुख्य अतिथियों द्वारा मेरा अनुरोध है कि पुष्प अर्पित करके भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, वंदे वंदे। मेरा सभी अतिथिगणों से अनुरोध, कृपया अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अंजना पवार जी से कि मंच पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए आमंत्रित करता हूं और सभी उपस्थित सम्मान्य जनों से आग्रह करता हूं कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अंजना पवार जी वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सशश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की जय। भीम धन्यवाद। अब मैं आज के स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्या जी थे कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भारत सरकार का स्वागत करें।
एक बार जोरदार तालियों से हम सब लोग स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के कड़कड़ ध्वनि के साथ में। बाबा साहब का चित्र भेंट करते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा श्री संजय निर्मल जी को कि मंच पर आएं और अपने बीच में उपस्थित आदरणीय जुराम मेघवाल जी मंत्री भारत सरकार उनका स्वागत करें। सभी से मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत अपने माननीय अतिथिगणों के स्वागत करते रहें। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चे के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र गोटवाल जी को कि मंच पर आएं और अपने बीच में केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों स्वागत। डॉक्टर भोला सिंह हमारे राष्ट्रीय महामंत्री SC मोर्चा के हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी का पुष्प से, पटके से और चित्र से स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्या जी को कि वो आएं और अपना स्वागत भाषण से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। संविधान शिल्पी, भारत रत्न सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, ऐसे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में, संगठनात्मक नेतृत्व में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्माण हुआ है, इस देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री, चीन जैसी शक्तियों की भी ताकत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले, ऐसे हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मोर्चे की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम सबके बीच में हमारे लेखक भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और आज संसदीय राज्य मंत्री के रूप में हम सबका मंत्रिमंडल में एक सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे केंद्र सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक, दिन रात संगठन के विस्तार की चिंता करते रहना, से आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय वी एस संतोष जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं।
मोर्चा के केंद्रीय संगठक की दृष्टि से हम सबके बीच में निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं आदरणीय वी सतीश जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में बहनों और भाई जो भी उपस्थित है मैं उनका भी मोर्चा की ओर से अभिनंदन स्वागत करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का भी स्वागत करता हूँ। मुझे आज गौरव महसूस हो रहा है और कहते हुए खुशी भी है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा देश में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के कार्यक्रमों को समाहित किया हो। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसके 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अंबेडकर जी का जन्म जयंती मतदान केंद्रों पर मनाने का निर्णय होता है। ऐसे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते लिए गर्व है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, इसका मतलब है उसमें सभी समाहित है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मतदान केंद्र तक अंबेडकर जी की जयंती सामाजिक समरसता और समता का कहीं ना कहीं संदेश देती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में मोर्चा ने अभी कुछ नवाचार हाथ में लिए थे, मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को बताना चाहता हूं। अंबेडकर जी की जयंती पुण्यतिथि मनाकर देश के दलितों का वोट कबाड़ने का षड्यंत्र तो बहुत हुआ है देश में, लेकिन ईमानदारी से उन्होंने देश के लिए जो किया है, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए किया हो, चाहे श्रम सुधार के लिए किया हो, चाहे धारा 370 के खिलाफ उन्होंने ताकत से बोलने का काम किया हो, चाहे देश के विकास के लिए काम किया हो, चाहे देश की एकता अखंडता के लिए काम किया हो, कुल मिलाकर अंबेडकर जी को एक सप्ताह तक स्मरण किया जाए, उनके विचारों को समाज के बीच में पहुंचाया जाए, ये शायद किसी ने काम नहीं किया। ये भी काम कोई कर रहा है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका मोर्चा कर रहा है। और इसलिए 7 दिन तक लगातार मोर्चे की पूरी टीम ने सोशल मीडिया पर बाबा साहब अंबेडकर के इन्हीं विचारों को 3-4 चरणों में काम किया है। एक सोशल मीडिया पर बैनर बनाकर उनके जो दिशा देने वाले जो अमृत वचन है उनका सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इन सब पर डालना। दूसरा, अनुसूचित जाति के जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय नेता है, उनके वीडियोस बनाकर उनको प्रचारित करना। तीसरा, उनके इन सारे विषयों पर कोई ना कोई लेख समाचार पत्र में आए। ये सोशल मीडिया का अभियान आज 7 तारीख से 14 तारीख तक चल रहा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत अच्छा है। ये पहला प्रयास है, हो सकता है कुछ चूक भी हो सकती है। और दूसरा, कल एक नवाचार और हुआ था, देश भर में सभी प्रदेश अध्यक्षों से पूछकर एक लक्ष्य लिया था कि आप कितने दीपक बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती की पूर्व संध्या पर करेंगे, तो लगभग 52 लाख का लक्ष्य आया था। हमने उसको संख्या का उल्लेख नहीं किया, लेकिन मैं रात भर लगभग 1 बजे तक सभी प्रदेशों के देखता रहा हूँ, सब दूर बहुत उत्साह के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर दीप जलाने का या दीपोत्सव करने का कार्यक्रम संपन्न पहली बार हुआ है। आज चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है इसलिए पार्टी ने कार्यक्रम बूथ स्तर पर तय किया ही था, इसलिए मोर्चा के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आग्रह किया कि आप भी 100 मतदाता अनुसूचित जाति के जहाँ हैं उसको अनुसूचित जाति का मतदान केंद्र मानते हुए वहाँ भी पार्टी के कार्यक्रमों में मोर्चा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, इस प्रयास करें। इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम मोर्चा ने किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा सोचना था कि ये आपके समक्ष बात जरूर रखी जाए। मैं इस मौके पर बाबा साहब को स्मरण करते हुए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वास्तव में
सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, समता, ममता, गरीबों का संरक्षण अगर किसी पार्टी में हो रहा है तो मेरी अपनी भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। लोगों ने वोट कबाड़ने के लिए बहुत कुछ किया है। अभी 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बहुत खास सुजाता मंडल खां, वो जब ये कहती है टीवी के समाचार में, बयान में, कि स्वभाव से और अभाव से एससी का आदमी भिखारी होता है, तो मुझे लगता है ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान होता है और संविधान की भी कहीं ना कहीं आत्मा को कुचला जाता है। और उनके बहुत सारे राजनीतिक दल जो सपोर्ट करते, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भीम आर्मी हो, इनकी हलक से कोई बयान नहीं निकलता, कोई निंदा नहीं निकलती, कोई नोटिस उसको नहीं मिलता ममता बनर्जी की तरफ से, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सारे राजनीतिक दल जो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में जाने जाते हैं, इनको बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से लेना देना नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति के दलित वोट के लिए षड्यंत्र कौन से हो सकते, इनका वो प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस मौके पर बहुत ज़्यादा विस्तार से कोई अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करना चाहता। मैं पुनः इस मंच पर हमारे मार्गदर्शक, श्रेष्ठ नेता, भारत के रक्षा मंत्री सहित हमारे दोनों मंत्रियों का पुनः अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से और देश के करोड़ों अनुसूचित जाति की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व गृह मंत्री रहे और वर्तमान में रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को कि मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह जी आर्य और हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, श्रीमान सोम प्रकाश जी, भाजपा के महामंत्री संगठन श्री बी एल संतोषी, वी सतोष सतीशी और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित मित्रों, शायद भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की एक अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर सारे देश भर में व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया होगा, लेकिन जितने व्यापक स्तर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मैं समझता हूं कि अन्य किसी राजनीतिक पार्टी ने इतना व्यापक स्तर पर नहीं किया है। और लाल सिंह जी आर्य जो हमारे अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं इसलिए केवल उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम सारे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लाल सिंह जी आर्य के साथ खड़ी होकर इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जहां तक प्रश्न है, मित्रों जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे उस समय भी उनके जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाते थे और भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी काम करते हुए उनके जन्म दिवस को हम सामान्यतः एक समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं अथवा हमारी पार्टी बाबा साहब को कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं मानती है, बल्कि उन्हें सचमुच हम उन्हें एक महानायक के रूप में मानते हैं। हर युग किसी न किसी महानायक का निर्माण करता है, लेकिन बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी कृतियों से जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हुए पूरी साहस और दृढ़ता के साथ एक नए युग का निर्माण किया है। यह मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहना चाहूंगा।
ऐसे ही महापुरुष और ऐसे ही महानायक ये बाबा साहब थे, जिनकी जयंती आज हम लोग यहां पर मना रहे हैं। वैसे सामान्यतः लोग एक संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें केवल एक संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक समरसता के एक स्तंभ दीप के रूप में देखा जाना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्या आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव उसी स्तंभ दीप से प्रकाश हासिल करती रहेंगी, रोशनी हासिल करती रहेंगी और प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। इसलिए बहुत एक उज्जवल स्तंभ दीप उन्हें मैं मानता हूं बाबा साहब को। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सहज रूप से कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार कर लेगा कि हम सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की यदि हम बात करते हैं तो हम पूरी अपनी श्रद्धा और प्रतिबद्धता यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति व्यक्त करते हैं, उनके विचारों के प्रति व्यक्त करते हैं। जिसकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के प्रति श्रद्धा और प्रतिबद्धता नहीं होगी वह कभी भी उसके मुंह से उसके दिल की आवाज यह कभी नहीं होगी कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को एक दलित आइकन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सामान्यतः कुछ लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि सचमुच भारत में कोई दलित आइकन था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मैं बाबा साहब को एक दलित आइकन के रूप में न कभी देखा था न देखता हूं और न हमारी पार्टी ने कभी देखा है और न देखेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मैं कई स्वरूप देखता हूं। एक ब्रिलियंट राइटर और इंटेलेक्चुअल तो थे ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन एक बहुत ब्रिलियंट और एक अच्छे शानदार राइटर होने के बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऐसी शख्सियत थे जो सदैव अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। वह अपनी जड़ों से कभी उन्होंने अपने को कटने नहीं दिया। विदेशों में भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, एक अच्छी खासी मान्यता केवल भारत में ही नहीं बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के अन्य देशों के इंटेलेक्चुअल्स में बुद्धिजीवियों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मान्यता रही है। और उनके भाषणों को, उनके जब कार्यक्रम होते थे तो जो माने जाने इंटेलेक्चुअल्स हैं उन कार्यक्रमों में उनके विचारों को सुनने के लिए लोग उपस्थित होते थे। मेरे जैसा व्यक्ति यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में विचार करता है तो मैं कभी सोचता हूं क्या कहूं इन्हें, केवल इंटेलेक्चुअल कहकर छोड़ दूं, क्या मैं उन्हें केवल राइटर कहकर छोड़ दूं। मैंने जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और सच्चाई तो है मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। उन्हें मैं ज्योरिस्ट कहूं, इकोनॉमिस्ट कहूं, पैंथोलॉजिस्ट कहूं, एक एकेडमिशियन कहूं कि क्या कहूं, या उन्हें पॉलिटिशियन कहूं या एक सोशल रिफॉर्मर कहूं, सच्चाई है कि मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता कि मैं कहूं क्या। माने बहुमुखी प्रतिभा का धनी यदि कोई शख्स था जिसने भारत को एक दिशा देने का काम किया तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कल जब मैं पश्चिम बंगाल से रात को वापस लौट रहा था तो एक समाचार पत्र में देख रहा था, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक आर्टिकल थी। मैंने तुरंत उसको उठाकर पढ़ा और उसका नोट मैंने लिया। 22 दिसंबर 1952 को उनका एक भाषण हुआ था और उस भाषण का नाम था आधुनिक लोकतंत्र की सफलता की पूर्व शर्तें। यह 22 दिसंबर 1952 का उनका भाषण था। उसमें उन्होंने कहा है समाज में तीव्र असमानता नहीं होनी चाहिए, कोई वर्ग सताया हुआ नहीं होना चाहिए, कोई वर्ग दलित नहीं होना चाहिए, कोई वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जो सर्व सुविधा संपन्न हो, और कोई वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर सारा बोझ डाल दिया जाए। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1952 के
एक अपने भाषण में यह बात कही है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी कहा है उन्होंने, इसके प्रति यदि हमारी आस्था न होती, हमारे कार्यकर्ताओं की आस्था न होती, हमारे नेतृत्व की आस्था न होती, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही यह न कहता कि हमारी यह सरकार पूरी तरीके से भारत के गरीबों के लिए समर्पित है। यदि किसी ने कहा तो हमारे प्रधानमंत्री ने, यदि उनके इन विचारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता न होती तो शायद यह बात वह न कहते। और ऐसे वर्गों की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, आर्थिक तंगी से उनको उबारने के लिए जितने प्रभावी कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं, मैं समझता हूं कि यदि सारे कार्यक्रमों की गणना की जाए तो एक बहुत ही लंबा समय लगेगा। लेकिन कुछ चीजें जो टिप्स पर हैं, जो सामान्यतः लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, इसके अतिरिक्त पीएम किसान सम्मान निधि, आवास योजना, गैस सिलेंडर, आयुष्मान भारत, शौचालय, यह सब इसी पर आधारित है। जो इस देश का कमजोर वर्ग है उसके आर्थिक हालात में कैसे बदलाव लाया जाए, उसके आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए। मुझे जानकारी है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम कि हमारे यह दलित वर्ग के लोग, हमारे कमजोर वर्ग के लोग विकास की दौड़ में ये पीछे न रह जाएं, इसलिए एक मिशन मोड में एक अभियान हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। और मिशन मोड में जो अभियान प्रारंभ किया कि 2024-25 तक जिन गांवों की आबादी 500 से अधिक है, ऐसे 500 से अधिक जहां पर हमारे कमजोर वर्ग के लोग, दलित लोग रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया। ऐसे 27,000 गांवों को आइडेंटिफाई किया गया और इन 27,000 गांवों का कैसे एक विकास किया जाए, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए प्रॉपर एक रूपरेखा तैयार की गई, इसके लिए एक योजना तैयार की गई। आज मुझे यह बतलाते हुए खुशी हो रही है कि 10,000 ऐसे गांवों के विकास की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और 7,000 से अधिक गांवों के लिए धनराशि भी निर्गत कर दी गई। यानी हमारी किस हद तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के प्रति श्रद्धा और आस्था है, इसलिए मैं इन सब सारे बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूं। शेड्यूल कास्ट, पोस्ट मैट्रिक स्कूल स्कॉलरशिप, यह लगभग 4 करोड़ से अधिक बच्चों को यह स्कॉलरशिप इस देश में प्राप्त हो रही है, यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। यह वही व्यक्ति कर सकता है, वही संस्था कर सकती है, वही सरकार इस काम को कर सकती है जिसकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के प्रति श्रद्धा होगी, आस्था होगी, वही कर सकता है, नहीं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ही एक पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में सरकार बनने के साथ ही एक, आप लोगों को जानकारी होगी कि स्मारक लंदन में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ते थे, वहां पर स्मारक बनाने का काम यदि किसी ने किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसे खरीदा और उसको स्मारक के रूप में परिवर्तित करने का काम किसी सरकार ने किया तो हम ही और आप लोगों की सरकार ने ही किया। और दिल्ली में 200 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि लगाकर एक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की भी स्थापना हुई है। और मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आप सभी को जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए और अन्य लोगों को भी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर देखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। चैत्य भूमि, उसे भी आप सभी परिचित हैं, उनकी समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को भी एक स्मारक के रूप में परिवर्तित करने का काम यदि किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने किया है। जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल एक दलित नेता अथवा समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करने वाला एक नेता इस रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए हैं,
शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खड़ा किया जाना चाहिए, यह विचार यदि किसी ने दिया था तो शख्सियत का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यानी कमजोर वर्ग के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उनकी इतनी शिक्षा नहीं है, उनके अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि स्वयं अपने हाथों के लिए काम की तलाश कर सकें, तो उनके लिए एक कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए जहां पर वह रजिस्ट्रेशन करा सकें। और रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ये जहां भी क्रिएट होती हैं तो फिर उसका लाभ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से वह निकाल सकें। उनके जब कई कामों को देखता हूं तो सचमुच मुझे लगता है कि वो एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, माने आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट के रूप में यदि उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यदि मैं कहूं कि आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। कई ऐसी चीज, संविधान समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके चेयरमैन के रूप में संविधान सभा में भी अपनी भाषण के द्वारा भी जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जो भी अपना योगदान दिया है, उसकी तो चर्चा सभी लोग करते ही हैं। लेकिन भारत के अर्थतंत्र से जुड़े हुए दो प्रमुख संस्थाएं जो इस देश में खड़ी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस कमीशन, यह जो दोनों संस्थाएं खड़ी हैं, इनकी वैचारिक आधारशिला यदि किसी ने रखी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रखी। अभी लाल सिंह यार चर्चा कर रहे थे धारा 370 की, धारा 370 का भी कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए धारा 370 के अंतर्गत, देश के सभी राज्यों का जो दर्जा है वही दर्जा जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए, इसकी जबरदस्त वकालत यदि किसी ने की थी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी की। यानी हम लोगों की प्रतिबद्धता उनके विचारों के प्रति, उनकी दार्शनिक अवधारणा के प्रति, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक सामान्य विचारक कहकर ही नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक फिलॉसफर भी थे, एक दार्शनिक थे, और जो दार्शनिक होता है वह समाज को दिशा और दृष्टि देने का काम करता है। तो एक ऐसे दार्शनिक थे जो कि समाज को दिशा और दृष्टि देने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते थे। जब वो वायसराय थे तो उस समय भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑन लेबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑन लेबर के सदस्य बने, तो पहले उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में सामान्यतः मजदूरों को 14 घंटे काम करना पड़ता था, तो उस काउंसिल का मेंबर होने के नाते यह अवसर उनको प्राप्त हुआ कि उन्होंने लोगों को कन्विंस किया इस बात के लिए, चाहे भले ही वह गरीब हो, भले ही जिस्म से पसीना बहाने वाला वक्त क्यों हो, लेकिन 14 घंटे का अथक परिश्रम यदि हम उससे कराते हैं तो यह तो एक पाशविक कृत्य होगा या पशुवत कृत्य होगा। इसलिए 14 घंटे काम नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि काम की जो अवधि होनी चाहिए वह केवल 8 घंटे की होनी चाहिए। तो 14 घंटे के बजाय 8 घंटा काम करने की जो व्यवस्था हुई है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही दी हुई है। महिला मजदूरों के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, और साथ ही आप सबको जानकारी होगी एक एक्ट भी उन्होंने बनवाया था महिला मजदूरों के लिए, उस एक्ट का नाम था मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट फॉर वोमेन एंड चाइल्ड एंड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट। यह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही पास कराया। माने हर छोटी छोटी चीजों पर कितनी पैनी दृष्टि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, हम इसकी सही कल्पना कर सकते हैं। पहले कोयला खदानों में महिलाएं भी काम करती थीं, बच्चे भी काम करते थे, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही यह कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने मजबूर कर दिया उस समय के शासकों को कि महिलाएं और बच्चे कोयला खदानों में काम नहीं करेंगे। इसका भी श्रेय यदि किसी को जाता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। भारत में श्रमिकों के कल्याण के लिए फैक्ट्री एक्ट, इसकी वैचारिक आधारशिला किसने दी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही दी, उन्होंने इस एक्ट को जो है पास कराया था।
और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जिसे कि हम ईएसआई के नाम से आज भी हम जानते हैं, ईएसआई प्रारंभ कर श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की पहल भी यदि किसी के द्वारा हुई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुई है। और संविधान में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी, शायद दुनिया के किसी देश के संविधान में उसे ढूंढना पड़ेगा, भारत के बारे में उन्होंने कहा कि भारत एक सामान्य स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। यानी समाज के किसी भी सीढ़ी पर कोई क्यों न खड़ा हो, समाज के किसी भी वर्ग का क्यों न हो, किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, सबके कल्याण की चिंता करने वाला यदि कोई है तो स्टेट है। इसलिए भारत को उन्होंने वेलफेयर स्टेट यह शब्द इंट्रोड्यूस भारतीय संविधान में कराने पर विशेष आग्रह यदि किसी का था तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था। जल की भी आवश्यकता है, बिजली की भी आवश्यकता है, यदि हम विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए तो जल भी चाहिए और बिजली भी चाहिए। तो आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन, जिसे CWINC कहते हैं, इसकी भी नींव यदि किसी ने डाली थी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने डाली। जल और बिजली, और इसमें जल की मैं कहना चाहूंगा विशेष रूप से, यदि आवश्यकता होती है तो किसानों को, हम यदि कृषि क्षेत्र में प्रगत करना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र में प्रगति हम बिना बिजली बिना पानी के नहीं कर सकते, और आज तो जैसे हालात हैं बिना बिजली के भी नहीं कर सकते। माने कितनी दूरदृष्टि थी, दूर तक जाकर सोचना, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। ऐसे कई महत्वपूर्ण काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किए। रिवर वैली अथॉरिटी की कल्पना यदि किसी की थी भारत में, रिवर वैली अथॉरिटी की कल्पना थी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी। आज उसका साकार स्वरूप यदि आपको देखने को मिल रहा है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड बांध, इस रूप में देखने को मिल रहा है। और इसकी सफलता का भी एहसास जो लोग इसके बारे में जानते होंगे उनको निश्चित रूप से होगा, ऐसा मेरा मानना है। सब मिला जुलाकर बाबा साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक दायित्वों और साथ ही साथ संविधान के प्रति हम सच्ची निष्ठा रखते हैं तो सचमुच यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अभी हमें अपने आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय निर्मल जी से कि आए और अपना आभार भाषण प्रस्तुत करें। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी,